नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को तेज गति से बताने वाले और आपका समय बचाने वाले न्यूज शो भारत एट नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल चतुर्वेदी। आज इस खास बुलेटिन में हम बात उन तीन खबरों की करेंगे जो कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है, और साथ ही साथ इन तीन खबरों ने पूरी तरह से पूरे देश के अंदर अब एक तरीके से राजनीतिक भूचाल ला दिया है। किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से ईडी का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र के अंदर राजनीतिक भूचाल लाया गया है, इसके बारे में जिक्र करेंगे, इसके बारे में रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि जो दागी विधायक हैं, जो विधायक लगातार शिकायतों के शिकंजे में रहे हैं, जिन विधायकों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, उन विधायकों के चलते क्या महाराष्ट्र में इस तरह की स्थिति बनी है, इस पर भी आपको रिपोर्ट विस्तार से बताएंगे। और साथ ही साथ अंत में आपके लिए एक रिपोर्ट छोड़ जाएंगे जहां पर आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है तब से ऐसी स्थिति कितनी बार बनी हुई है कि तब से लगातार राज्यों के ऊपर संकट बनता आया है, राज्यों की सरकारें हिलती हुई नजर आई है। इस पूरे बुलेटिन के दौरान हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, उनके बारे में भी अगर हम आपको बताएं तो उन्होंने भी इस जोड़ तोड़ की सियासत को लेकर जो बयान दिया था, उस बयान के आज की डेट में क्या मायने हैं, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरह से ईडी की एंट्री हो चुकी है, ईडी की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, उसी को लेकर अभी आरोप लग रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सियासी गलियारों में जिस तरह से हलचल मच रही है उसके अंदर पूरी तरह से अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है ईडी की जांच पड़ताल। ईडी की जांच पड़ताल के बाद से ही तमाम तरीके की स्थितियां, तमाम तरीके की तस्वीरें जो हैं वो महाराष्ट्र में बदलना शुरू हो गई है। बात करें अगर एकनाथ शिंदे की, जो इस वक्त सबसे ज्यादा बागी बने हुए हैं, शिवसेना से सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, उन पर भी जब से ईडी का शिकंजा कसा हुआ है तभी से लगातार इस तरीके की स्थितियां बनना शुरू हो गई हैं। संजय राउत ने किसी को लेकर बयान दिया था, लेकिन बड़ा आरोप यह है कि अगर बीजेपी इस सब चीजों की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है तो यह इनसाइड स्टोरी क्या है सक्सेसफुल होने की, इसके बारे में आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। उद्धव के विधायक दागियों की फौज, विधानसभा में अपराधी नेताओं का खुलासा, एडीआर की रिपोर्ट का सटीक विश्लेषण, दागियों ने बिगाड़ा खेल, सरकार का निकला तेल। महाराष्ट्र की राजनीति में जारी सियासी भूचाल की मुख्य वजह विधानसभा में दागियों का दांव भी मारा जा रहा है। एडीआर की रिपोर्ट में ऐसे कई बड़े नामों का खुलासा पहले ही हो चुका है जिनके नाम कई बड़े अपराध शामिल है, जिसको लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी नाराजगी जाहिर कर चुका है। तो चलिए जानते हैं महाराष्ट्र विधानसभा के दागी नेताओं के बारे में थोड़ा विस्तार से। दागियों पर दाव का हर जाना, अब क्यों पड़ रहा है पछताना। 2019 के विधानसभा चुनाव में 29% दागी उम्मीदवार थे, ये एडीआर की रिपोर्ट का खुलासा है जो हम आपको बता रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 916 दागियों ने उस दौरान चुनाव लड़ा था, जिसके बाद 600 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज है। 4 उम्मीदवारों पर दुष्कर्म और 67 पर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जो 288 चुने गए विधायक थे उनमें से 176 दागी हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 59% उम्मीदवार दागी थे। शिवसेना ने 61% दागियों पर भरोसा जताया था। एनसीपी के 63% दागी उम्मीदवार थे। तो लिस्ट देखिए आपने, ऐसा लग रहा है मानो चुनाव में उम्मीदवार नहीं क्राइम सोल्जरों को उतारा गया हो। अब जब ऐसे उम्मीदवार लड़ेंगे तो भला जनता का भला होना तो अलग बात है, राज्य की कानून व्यवस्था का क्या होगा, आप सोच ही सकते हैं। फिर ऐसे मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी की एंट्री होती है और फिर सरकार का खेल बदल जाता है। जरा ये भी समझिए कि कौन से वो प्रमुख नाम है जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन भाई वो तो सियासत में खेल में जबरदस्त खिलाड़ी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के टॉप 5 दागी, दिलीप वालसे पाटिल जो कि एनसीपी के नेता है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उन पर एक मुकदमा दर्ज है। एकनाथ शिंदे जो कि अभी फिलहाल सुर्खियों में बने हुए हैं, शिवसेना के प्रमुख नेता है, एक मामला उन पर भी दर्ज है। रवि राणा जो कि हनुमान चालीसा के नाम से फेमस है, निर्दलीय विधायक है लेकिन 7 मामलों में फंसे हुए हैं। प्रदीप शिवनारायण शिवसेना के नेता है, 6 मामले दर्ज हैं। नितिन देशमुख जो इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं, शिवसेना के नेता हैं, 5 मामलों से लड़ रहे हैं। संजय दुलीचंद जो कि शिवसेना के नेता है, 4 मामलों में फंसे हुए हैं, ये एडीआर की रिपोर्ट के तहत बताया जा रहा है। मतलब साफ है, पहले दागियों पर भरोसा जताया, अब सरकार के लिए फजीहत की स्थिति पैदा हो गई है। इस सब में महाराष्ट्र की जनता पिस रही है।
जो कि लोकतंत्र के नाम पर वोट डालती है और सियासतदान आवाम के साथ भद्दा खेल खेलने में लग जाते हैं। सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। महाराष्ट्र के अंदर ये जो सियासी उथल पुथल शुरू हुई है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले कई बार इस तरह की स्थितियां महाराष्ट्र की राजनीति में बन चुकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र के अंदर सियासी खींचतान लाने के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन हैं। और आपको इसी के साथ साथ बता दें कि कहीं ना कहीं कई बार रिपोर्ट्स इस तरह के निकलकर सामने आती हैं कि जो दागे विधायक हैं, यानी कि जो विधायक जिन पर लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आता है, वो विधायक जो कि लगातार कानून के रडार पर रहते हैं, ऐसे विधायक भी महाराष्ट्र के अंदर सियासी भूचाल लाने के लिए कहीं ना कहीं उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि विपक्षी पार्टियां। क्योंकि आपको एक रिपोर्ट इसको लेकर दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जितने भी दागे विधायक मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं अब डर रहे हैं, और वो डर रहे हैं इसीलिए वो केंद्रीय जांच एजेंसी से बचने के चलते अब इस तरह की प्लानिंग और प्लॉटिंग अपनी ही सरकार के लिए कर रहे हैं। ये पूरा प्लान किस तरह से तैयार किया जा रहा है और आगे क्या अपडेट है, इस रिपोर्ट में देखिए। जिसका डर था वही हुआ, दागियों को ईडी का डर पकड़ी दूसरी डगर, जांच एजेंसियों का सहारा विधायकों को अपने पाले में डाला। क्या ईडी के सवाल से डर गए एकनाथ शिंदे? शिवसेना में टूट की वजह है क्या? शिवसेना नेता संजय राउत ने एक आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन पर सरकार पर दबाव करने की कोशिश की गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो इन सब धमकियों से डरने वाले नहीं है, लेकिन उनका आरोप गंभीर था। सुनिए उनका आरोप क्या था। करने दो, चुनाव है, चुनाव का मौसम है, राजनीति है, जो भी करना है करने दो। मैं और अगर हमारे पास आते हैं तो हम भी उनको कोऑपरेट करेंगे, स्वागत करेंगे, चाय पिलाएंगे, आप आइए, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। झूठ मत करना, कोई बात नहीं, झूठ करेगा तो भुगतना पड़ेगा सबको, कोई भी हो, फिर कोई भी हो, देश में अगर कोई झूठ का सहारा लेकर किसी को राजनीतिक मकसद पूरा करने में मदद करती है एजेंसी, तो इस देश में सबको कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे कोई अधिकारी हो या चाहे कोई नेता हो, सब जेल में गए हैं। तो सुना आपने, संजय राउत का कहना है कि अगर कोई भी जांच एजेंसी राजनीतिक मकसद से उन्हें हिलाने की कोशिश करती है तो वो जवाब देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवसेना में भूचाल लाने वाले एकनाथ शिंदे और उनके करीबियों को भी यही डर है? कैसे, ये भी देखिए। शिंदे के करीबियों पर ईडी की नजर। शिवसेना विधायक यामिनी जाधव के घर पर ईडी ने रेड मारी थी, नकली कंपनी बनाकर आर्थिक लेन देन करने का आरोप लगा था। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक से भी ईडी ने पूछताछ की थी, घर और कार्यालय के कई संपत्तियों को जब्त किया था। शिंदे गुट के 30 विधायकों पर ईडी की नजर है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। आपने देखा होगा कि जब एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाया था तो उन्हें इस सभी की जांच से राहत मिल गई थी। सत्ता के साथ हाथ मिलाने का इनाम हाथों हाथ मिला था, जबकि इससे पहले उन पर कई गंभीर आरोप थे। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि जांच के डर से शिंदे ने शिवसेना से किनारा किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये देखना होगा, लेकिन कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। तो क्या वाकई में डर के आगे ईडी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। पिछले 8 साल में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी राज्य के अंदर इस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हो कि सरकार पर संकट बनाया है। सरकार के मुखिया को इस्तीफे देने की बात चल रही है, साथ ही साथ सरकार के मुखिया को सीएम आवास को छोड़ना पड़ा हो। ऐसी स्थिति पिछले 8 साल में करीबन 7 बार आ चुकी है, जब कई बार ऑपरेशन लोटस कई राज्यों में खिला, कई राज्यों में पस्त भी पड़ गया। कि इस बीच एक सवाल जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से उठता हुआ नज़र आता है। सवाल ये है कि ऐसा कब कब हुआ, किन किन राज्यों में स्थिति बनी, और साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से इस सब को लेकर क्या कुछ कहा गया था, ये भी आपको सुनवाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में आखिरकार वो कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन सी राज्य सरकारें हैं जिन पर कमल अटैक हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए। सरकार बनाने के लिए सब जायज़ है, विरोधियों के प्लानों को कर देगा चकनाचूर, जीत के लिए सामदाम दंड भेद फॉर्मूला, 8 साल में कई सरकारें हाईजैक करने का सूत्र, बीजेपी की प्लानिंग डिकोड करने वाली रिपोर्ट। साल 2014 से लेकर अब तक करीब 7 बार राज्यों की सरकारों पर संकट साफ तौर पर देखने को मिला है।
ये संकट आज तक जारी है। जिन राज्यों में बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा रही थी और केंद्र पर फिलहाल सत्ता काबिज है, जो कि अभी भी काबिज है। विरोधी बीजेपी पर अक्सर ऐसा आरोप लगाते हैं कि पार्टी हमेशा जोड़ तोड़ की सियासत का फायदा उठाकर सरकार हाईजेक कर लेती है और अपनी सरकार बना देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी के कद्दावर नेता ने पार्टी की इसी स्कीम को लेकर तंज कसा था? क्या कहा था जरा सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आज प्रस्ताव लेकर आया हूं। अभी 3 दिन बाकी है और पिछली लोकसभा इस बात की साक्षी है और सदन का रिकॉर्ड गवाह है कि किस तरह से राती रात में अल्पमत बहुमत में बदला था। जब मतदाता सो रहे थे, थककर चूर थे, तब लोकतंत्र की लाज लुट रही थी, तब ईमान का सौदा हो रहा था, तब पार्लियामेंट के मेंबरों की खरीद फरोख्त का बाजार खुला हुआ था। मामला अदालत में, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन हमने देखा कि अल्पमत किस तरह से बहुमत में बदला। वो रास्ता हमारे लिए भी खुला था, मगर हमने उस पर जाने से इनकार कर दिया। अनैतिक तरीके अपनाकर भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ईमान का सौदा करके। ये जो बयान आपने सुना वो आज से करीब 26 वर्ष पुराना है। हैरत की बात है कि सत्ता में तब बीजेपी थी, सत्ता में अब भी बीजेपी है, लेकिन तब प्रधानमंत्री सरकार बनाने के लिए गठबंधन को सही मानते थे और अब जो आरोप है वो ये कि हुक्मरान सरकार बनाने के लिए विधायकों की बोली लगाने से भी हिचकिचाते नहीं है। ये बयान आज उन सियासी वीरों को सुनना चाहिए जो लोकतंत्र का चीरहरण करने के लिए जिम्मेदार है। खैर, पिछले 8 सालों में अब तक 7 बार ऐसे मौके आए हैं जब सरकारों पर कमल अटैक हुआ हो, तो जरा समझिए कि इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई। तो सुनिए, स्क्रिप्टिंग तो तभी तैयार हो गई थी जब केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश सरकार आने के बाद ही शुरू हुई। उत्तराखंड में फेल हुए प्लान को भी जरा डिकोड करते हैं। पहाड़ों की सरकार पर प्रहार, मिशन हुआ फेल। साल 2012 में विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा रही थी, जिसके बाद कांग्रेस को 32 सीटें मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीजेपी को सिर्फ 31 सीटें ही मिली थी। कांग्रेस ने केदारनाथ आपदा के बाद विजय बहुगुणा को हटा दिया था। साल 2014 में हरीश रावत को सीएम बनाया गया था। बीजेपी ने विजय बहुगुणा की नाराजगी का फायदा उठाया। 18 मार्च 2016 को बहुगुणा समेत 9 विधायकों को कांग्रेस का बागी बनवाया। स्पीकर ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया, 9 बागियों को अयोग्य घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया। 11 मई 2016 को बहुमत साबित कर रावत सरकार बच गई। बीजेपी का पैतरा फेल हो गया, हरदा की सरकार बनी रही। मध्य प्रदेश में क्या हुआ इससे आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। जरा इसके हाइलाइट्स भी देख लीजिए। 15 महीने तक चली सरकार, 17 दिन में हो गई हाईजैक। कमलनाथ सरकार से सिंधिया की नाराजगी का फायदा। होली के बाद मार्च 2020 में बीजेपी ने सिंधिया से संपर्क बनाया। 9 मार्च 2020 को सिंधिया ने शुरू कर दी बगावत, जिसके बाद सिंधिया के 20 से ज्यादा विधायकों ने कमलनाथ की टेंशन बढ़ा दी। चार्टर प्लान से बेंगलुरु भेजे गए बागी विधायक। कमलनाथ की सरकार गिराने के लिए कर्नाटक में हुआ मंथन, सरकार गिरने का काम भी हुआ सक्सेस। 20 मार्च 2020 को कमलनाथ ने दिया इस्तीफा, मामा को फिर मिल गई कमान, एमपी में बन गई सरकार। राजस्थान में वैसे तो अशोक गहलोत का राजनीतिक करिश्मा बरकरार रहा, लेकिन बीजेपी ने इधर भी सियासी उथल पुथल लाने की खूब कोशिशें की। तो फिर बीजेपी का यहाँ प्लान कैसे फेल हुआ, जरा ये भी देख लीजिए। चल गया गहलोत का जादू, बीजेपी हुई बेकाबू। सीएम पद को लेकर सचिन पायलट नाराज हो गए थे।
बीजेपी ने पायलट को सिंधिया बनाने की कोशिश की थी, स्टेट यूनिट को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई थी। 11 जुलाई 2020 को पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 18 विधायकों को लेकर वो भी गुरुग्राम पहुंच गए। गहलोत ने भी अपने विधायकों को होटल में रख दिया। गहलोत ने सचिन पायलट पर कई विवादित बयान दिए, जिसके बाद पायलट की नाराजगी में बीजेपी को इंटरेस्ट दिखने लगा। नाराजगी के चलते डिप्टी सीएम का पद भी छीना गया। 10 अगस्त 2020 को प्रियंका ने पायलट को मना लिया। बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर पानी फिर गया। अब बात उस राज्य की करेंगे जहां बीजेपी ने पहले सरकार बनाई, फिर सरकार गिरी तो एक ऐसा पैतरा चला जिससे विरोधी चारों खाने चित हो गए। जरा सुनते हैं कैसे। कर्नाटक में बीजेपी ने लिया हार का बदला। साल 2017 में बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जिसके बाद बीएस येदियुरप्पा सीएम बन गए, लेकिन फ्लोर टेस्ट में बेचारे फेल हो गए। कांग्रेस के 87 और जेडीएस के 37 विधायकों ने सरकार बना ली। साल 2019 के जुलाई महीने में कांग्रेस के 12 और जेडीएस के 3 विधायक बागी हो गए। अब कांग्रेस के पास 101 सीटें और बीजेपी के पास 105 सीट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा। फ्लोर टेस्ट में सरकार गिर गई। बीएस येदियुरप्पा को कमान मिल गई। अब भी भूमि सरकार वहां पर चल रही है। महाराष्ट्र में जो हुआ उसकी प्लानिंग चुनावों के नतीजे के बाद से ही आना शुरू हो गई थी, लेकिन बीजेपी तब भी बुरी तरह से पिट गई थी और शिवसेना ने खेला कर दिया था। जरा समझते हैं कैसे। पवार ने किया खेला, बीजेपी का प्लान हुआ फ्लॉप। 2019 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला था। सीएम पद को लेकर राज छिड़ गई थी। शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। 23 नवंबर 2019 को फडणवीस ने अजीत पवार के साथ शपथ ली। शरद पवार ने विधायकों को अजीत के साथ जाने से रोक लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। फडणवीस ने 72 घंटे में ही इस्तीफा दे दिया। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की शपथ ली। उस गोवा में जहां बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत तो छोड़िए गिनती की सीटें भी नहीं थी, वहां आखिर बीजेपी को कैसे सरकार बनाने में कामयाबी मिल गई, जरा उसे भी समझ लीजिए। गोवा में चल गया बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। 2017 के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, 17 सीटें हासिल की। मनोहर पर्रिकर ने 21 विधायकों के साथ होने की बात कही थी। कांग्रेस से पहले ही सरकार बनाने की पेशकश की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने न्योता स्वीकार कर लिया। छोटे दलों के समर्थन से बीजेपी की सरकार बन गई। अब बात अरुणाचल प्रदेश की करेंगे, जहां बीजेपी सरकार तो छोड़िए मुख्यमंत्री को ही अपने पाले में कर लिया, और उसके बाद जो सरकार बनी वो कैसे बनी जरा समझते हैं। अरुणाचल में बना ली सरकार, कांग्रेस ने छोड़े सारे हथियार। 2014 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई। कांग्रेस नेताओं के बीच रंजिश का फायदा मिला, जिसके बाद 16 सितंबर 2016 को सीएम पेमा खांडू ने पार्टी को छोड़ दिया। 42 विधायकों ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। पीपीए में शामिल हुए सभी बागी विधायक बीजेपी से मिलाए हाथ और उसके बाद बन गई सरकार। मतलब साफ है, अटल जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी आज उन्हीं के विचारों से विपरीत सरकार बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन आप ही सोचिए कि लोकतंत्र में ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन आखिर कब तक जारी रहेगा, ये सोचना भी जरूरी हो जाता है। तो देखा आपने किस तरह से पिछले 8 साल में कई राज्यों की सरकारों को हिला दिया गया। तो भाई कई राज्य ऐसे थे जिनके मुखिया बीजेपी के इस प्लान पर इसको पस्त करते हुए साफ तौर पर नजर आए। लेकिन एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी खड़ा होता है कि लोकतंत्र में आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा। जिस सरकार को जनता ने चयनित किया है, उस सरकार को सिर्फ कुछ एक प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते गिराने की पॉलिटिक्स जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि इसमें अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान है तो वो है राज्य की जनता, जो बड़ी उम्मीद के साथ अपने मुखिया का चुनाव करने के लिए तपती धूप में, बारिश में और किसी भी मौसम में वहां पर मौजूद होती है और जाकर वोटिंग करती है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ऑपरेशन लोटस जैसे कई ऐसे कारनामे हैं जो कि राज्यों की सरकारों को गिराने का और अस्थिरता उसमें पैदा करने का काम करते हैं, और ये जो अस्थिरता आती है उसकी वजह से जो एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेही होता है उस राज्य की और क्षेत्र की जनता के लिए। इसी पर संबंधित आपने हमारी रिपोर्ट देखी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के अंदर ऊंट किस करवट पर बैठेगा और अन्य राज्यों के अंदर भी जिस तरह की स्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं, आने वाले समय पर उम्मीद ये है कि किसी भी राज्य में इस तरह की स्थितियाँ ना बने, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होता है तो वो होता है देश की जनता का। Bharat@9 में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।